खानपुर क्षेत्र के नगला इमरती ग्राम के पास हाईवे पर गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक और यूपी रोडवेज बस की जोरदार भिड़ंत हुई है। आपको बता दें कि छुटमलपुर डिपो की यूपी रोडवेज की बस सराहनपुर से हरिद्वार के लिए निकली थी। जैसे ही यह बस नगला इमारती के पास पहुंची, इस दौरान सामने चल रहे ट्रक ड्राइवर ने अचानक ही तेज गति से ब्रेक लगा दिए गए, जिसके कारण पीछे से आ रही यूपी रोडवेज बस ट्रक के में जा घुसी, जिससे बस का एक हिस्सा के परखच्चे उड़ गए। और बता दें कि इस दौरान अफरा तफरी मच गई। इस दौरान गुजर रहे राहगीरों के द्वारा घायलों को रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती करवाया है। सहारनपुर से हरिद्वार जा रही थी हमारी गाड़ी छुटमलपुर डिपो रोडवेज। जब हम हाईवे पर चल रहे थे रुड़की दिल्ली हाईवे पर, तो जब रेलवे लाइन का टोल क्रॉस करते हैं जहाँ, वहाँ जाके एक ट्रक हमारे आगे चल रहा था सिलेंडर से भरा हुआ। उसने अचानक ब्रेक दे दिए, हमारी गाड़ी उसके पीछे चल रही थी, तो पीछे से हमारी गाड़ी उसमें लग गई, जिसमें हमारे ड्राइवर को बहुत चोट आई है, दो यात्रियों को भी चोट है तो हल्की फुल्की, दो एक को और भी वो ऊपर चले गए अपने घर, पर दो को थोड़ी ज़्यादा है, उनको मैं एम्बुलेंस में ले गए, अपने ड्राइवर को भी और उसको, दोनों यात्रियों को लेकर मैं एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। हाँ, मेरे पास कुछ घायल आए हैं। मंगलौर हाईवे रोड का ये मामला है, एक बस की भिड़ंत हुई है ट्रक के साथ और उसमें तीन लोग मेरे पास आए, एक की मौके पर मौत हो चुकी थी, मृत अवस्था में लाया गया और दो घायल हैं जिनका हमारे यहाँ इलाज चल रहा है। जो घायल हैं उनकी किस तरह की स्थिति बनी हुई है? अभी स्टेबल हैं, उनका इलाज चल रहा है, एक्सरे एडवाइस किए गए हैं, एक्सरे कराए जा रहे हैं।